सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुचीज होम रेमेडीज़ को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। थायराइड ग्रंथि गले में सांस नली के ऊपर और वोकल कॉर्ड के दोनों ओर दोनों भागों में विभाजित तिल्ली के आकार जैसी होती है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है जिससे शरीर में प्रोटीन और एनर्जी सुचारू रहती है। थायराइड ग्लैंड के कम या ज़्यादा काम करने से शरीर का वजन तेजी से बढ़ने या घटने लगता है जिससे शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, थायराइड होने पर रोगी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके रोगी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ व नुस्खे थायराइड को ठीक करने में मददगार हो सकते हैं। अनियमित दिनचर्या, भोजन में आयोडीन की कमी या अधिकता, तनाव, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी, आनुवांशिक कारण, दवाइयों का साइड इफेक्ट, ये सब थायराइड रोग के प्रमुख कारण हैं। रक्त के नमूने से T3, T4, TSH की जांच होती है। ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, विटामिन B12 व विटामिन D3 आदि जांच कराई जाती हैं। अचानक वजन बढ़ना या कम होना, शुष्क त्वचा, थकान व चिड़चिड़ापन, तनाव, बाल झड़ना, सर्दी व गर्मी सहन न कर पाना, अनियमित महावारी, याददाश्त में कमी, अधिक पसीना आना, नींद में बाधा, मांसपेशियों में कमजोरी, देखने में परेशानी आदि थायराइड रोग के प्रमुख लक्षण हैं। बादाम व अखरोट में सेलेनियम तत्व पाया जाता है जो थायराइड को नियंत्रित रखता है। ताज़े हरे धनिए की एक चम्मच चटनी एक गिलास पानी में घोलकर पिएं। एलोवेरा जूस में तुलसी रस मिलाकर पीना चाहिए। लौकी का रस लें। प्यास से गर्दन पर मालिश करें। रात को सोते समय दूध, दही, सूखे मेवे, मशरूम, अलसी, मक्खन, कैल्शियम व एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार खाने से लाभ होगा। आयुर्वेदिक उपचार से थायराइड ग्रंथि की निष्क्रियता यानी अंडर एक्टिवनेस या अति सक्रियता यानी ओवर एक्टिवनेस ठीक होती है। जड़ी बूटियों का भी प्रयोग किया जाता है जैसे अश्वगंधा, काली मिर्च, ब्रह्मी, पुनर्वा, गोक्षुर, वरुण, त्रिकटु, निर्गुंडी, त्रिफला आदि। इन सभी से निर्मित औषधियों से भी लाभ मिलता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ रोगी की अवस्था अनुसार अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। इन्हें अपनी मर्जी से न लें। थायराइड के घरेलू उपचार के तौर पर रोज़ाना सुबह शाम खाली पेट कच्ची लहसुन की कलियाँ खाकर पानी पिएं। ऐसे ही सलाद में कच्चा प्याज खाएं। इनसे भरपूर विटामिन मिलेंगे जो थायराइड को फंक्शन सही रखने में मददगार हैं। मशरूम खाने से थायराइड की आशंका घटती है। इसमें भरपूर विटामिन होता है जो थायराइड ग्लैंड को बेहतर फंक्शन करने में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड के लिए आयरन भी मददगार है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियाँ शामिल करें। इनसे पर्याप्त आयरन मिलेगा। थायराइड में रात को सोते वक्त एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड्स थायराइड का खतरा टालते हैं, इसलिए खाना बनाने के लिए नारियल तेल का उपयोग करें। रोज़ाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से भी थायराइड खत्म करने में मदद मिलती है। जूस पीने के आधे घंटे तक कुछ खाएं पिए नहीं। सूरजमुखी के बीजों को भूनकर रख लें। इन्हें रोज़ाना सुबह शाम एक चम्मच अच्छी तरह चबाकर खाएं। इनसे बॉडी को कॉपर मिलेगा और थायराइड की आशंका कम होगी। थायराइड कंट्रोल करने के लिए आप रोज़ाना दूध में हल्दी को पकाकर पिएं। अगर हल्दी वाला दूध ना पिया जाए तो हल्दी को भूनकर इसका सेवन करें। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करना भी थायराइड के इलाजों में एक उत्तम उपाय है। काली मिर्च थायराइड के उपचार में काफ़ी फायदेमंद है। किसी भी तरीके से आप काली मिर्च का सेवन करें, आपको फ़ायदा होगा।
थायराइड का घरेलू ट्रीटमेंट करने के लिए हरा धनिया पीसकर चटनी बनाएं और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चटनी घोलकर पिएं। इस उपाय को जब भी करें ताज़ी चटनी बनाकर ही सेवन करें। ऐसा धनिया लें जिसकी सुगंध अच्छी हो। इस देशी नुस्खे को नियमित रूप से और सही तरीके से करने पर थायराइड कंट्रोल में रहेगा। प्याज को बीच से काटकर 2 टुकड़े कर लें और रात को सोने से पहले थायराइड ग्रंथि के आसपास मसाज करें। इसके बाद गर्दन से प्याज के रस को धोएं नहीं, लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी थायराइड से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और उपचार। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।